हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का मेरे बगिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोग के साथ कुछ सीड ग्रो करने जा रही हूँ। वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे कौन सा सीड को ग्रो किया जाता है। तो सीड में मैं आज वेजिटेबल सीड ग्रो करने जा रही हूँ, फ्लावर्स का सीड नहीं, वेजिटेबल सीड। क्योंकि समर का सीड तो मैं कुछ ग्रो की हूँ और तो कुछ धूप से मेरे तो ख़राब भी हो गए, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो सब नाजुक प्लांट क्रीपर जो होते हैं वो तो सूख गए। तो कुछ पिछले हफ्ता मैं कुछ सीड ग्रो की हूँ और मैं आज कुछ और सीड ग्रो करने जा रही हूँ। तो वेजिटेबल सीड में जैसे कि अभी समर में कौन कौन से मई जून में आप लोग सीड ग्रो कर सकते हैं, वही उसी बारे में मैं अभी आप लोग के साथ जानकारी शेयर करूंगी कि कौन कौन से सीड को आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ सीड ले रखा है और तो सीड मैं ग्रो कर चुकी हूँ। देखिए, ये तरोई है, लॉन्ग बीन्स है और इसमें भी देखिए सब लॉन्ग बीन्स ही हैं। एक तरोई इसमें भी है। तो ये सारे तो मेरे जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन धूप से देखिए किस तरह से जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और अब तो खैर मानसून आने वाला है। आज तो 8, 9, 10 तारीख हो गया। अब बस 2-4-5 दिन में अब जब मानसून आ जाए, एक हफ्ता के अंदर तो मानसून आ जाएगा। तो मानसून से पहले अपना वेजिटेबल मैं सोच रही हूँ कुछ ग्रो कर लूँ, वेजिटेबल सीड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, इसमें लॉन्ग बीन्स है, तरोई है और कद्दू है, लौकी है। चार सीड मैं रखी हूँ, चार तरह प्रकार के, और चौराई वगैरह भी मैं डाली हूँ। चौराई भी इसमें थोड़े जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मेरे पास तो जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ और बस अपने लोग का खाने भर का हो जाता है घर का ऑर्गेनिक वेजिटेबल, और क्या चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें किस तरह से कौन सा सीड को, तो जैसे कि ये लौकी का जो और कद्दू का जो सीड है, इसे तो इसकी तो नर्सरी तैयार की जाती है। बाकी तरोई और बीन्स की जो है, ये सीड को मैं ग्रो कर लूँगी डायरेक्ट ग्रो बैग में। तो देखिए, मैं पहले बीन्स की सीड को ग्रो करती हूँ, ठीक है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंट में इसके सीड को मैं ग्रो करती हूँ बीन्स को। तो इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा होल करके, और ज़्यादा डीप होल नहीं कीजिए। ज़्यादा डीप होल करने से क्या होता है ना कि सीड अंदर ही दब जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो देखिए, मैं बीन्स को पहले ग्रो करके दिखाती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर तो ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी किसी और को भी मिले, हेल्प करे। और जो भी ज्वाइन करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास डायरेक्ट पहुँचते रहे और आप लोग को भी हेल्प मिलते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्या किया जाता है। देखिए, मैंने सीड को सब जगह डाली हूँ ना, सीड को डाल के इसके बाद क्या किया जाता है, ऐसे मिट्टी से, देखिए मिट्टी भी एकदम भुरभुरी मिट्टी, हल्की मिट्टी होनी चाहिए ताकि ये सीड अंदर दबे ना। देखिए, इस तरह से इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे ढक दूँगी। देखिए, यहाँ भी डाली हूँ, इस तरह से इसको ढक दीजिए। बस इतना ही करना है। और ये करके क्या करना है कि थोड़ा पानी इस पर डाल दीजिए फुहारे से, इस तरह से आप पानी डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, सीड लगाने से पहले जो है, कोई भी वेजिटेबल सीड्स आप ग्रो जब भी कीजिए, देखिए मैंने वाटर में सोक करके रखी थी मैं, इस तरह से इसे आप वाटर में सोक कर लीजिए और तब लगाइए। अब चलिए मैं दिखाती हूँ तरोई का सीड ग्रो करके। तो बस 4-5 सीड मैं पहले और डाल चुकी, 4-5 सीड और डाल देती हूँ कि हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी है लॉन्ग बीन्स है और ये है उसका खीरा कुकुम्बर जो होता है ना उसका लगाए हैं, और क्या कहते हैं उसका वाटरमेलन का सीड डाले हुए थे। वाटरमेलन का सीड देखिए इसमें कितना बढ़िया से जर्मिनेट हो गया है, वाटरमेलन का सीड खूब बढ़िया इसमें जर्मिनेट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से तरोई का जो ये देखिए, तरोई को आप ऐसे नहीं डाल सकते, ये जो नुकीला वाला जो पार्ट इसका रहता है तरोई के सीड का, देखिए इस तरह से जो रहता है, तो ये वाले पार्ट को जो है ना, नुकीले वाले पार्ट को ऐसे नीचे आप मिट्टी में दबाएंगे, ठीक है, इस तरह से नुकीले वाले पार्ट को, देखिए वीडियो में दिख रहा होगा आप लोग को, इस तरह से मिट्टी में आप इसे दबा दीजिए। इस तरह से मिट्टी में दबा के फिर इसको मिट्टी से इसी तरह उसी तरह ढक देना है इसको भी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारे को लगा दी, पानी डाल दीजिए, इस तरह से सब ग्रो हो जाएंगे दो चार दिन में। सीड को इसी तरह, इसी वजह से ना भिंगो के लगाया जाता है कि जल्दी से जर्मिनेट हो जाता है। भिंगो के आप जब भी लगाइए, भिंगो के सीड को 2 घंटा पहले आप सोक कर दीजिए कि ताकि वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। अब बहुत इजली जर्मिनेट हो जाता है। तो अब फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आप लोग को, इसका नर्सरी बनाना पड़ता है। ये जो लौकी और कद्दू का जो सीड आपको दिख रहा है, तो इसकी तो पहले नर्सरी तैयार की जाती है। कद्दू की हो, लौकी की हो, टमाटर की हो, बैंगन की हो, ये सारे सीड की पहले तो नर्सरी तैयार की जाती है। इसे आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं खेतों में भी। देखिए पहले नर्सरी तैयार करके फार्मर लोग भी लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं कि जहाँ उनको उगाना है वहीं डायरेक्ट लगा दे, पहले उसकी नर्सरी तैयार। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में भी मिलता है नर्सरी, छोटे छोटे से प्लांट मिलता है बैंगन का, टमाटर का, गोभी का, उसी तरह ये लौकी और कद्दू का भी बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए उसके लिए मैं क्या की हूँ कि ये ली हूँ गिलास, डिस्पोजल गिलास मैंने ले रखा है, और इस डिस्पोजल गिलास में मैं नुकीले चीज़ से छेद कर ली हूँ। आप किसी भी नुकीले चीज़ से इसमें छेद कर लीजिए कि ताकि इसमें आप जब पानी डालिए सीड ग्रो करके, तो इसमें से पानी बाहर निकल जाए और मॉइस्चर बना रहे। अगर पानी उसी में भरा रहेगा तो सीड जो है सड़ जाएगा। और वेजिटेबल सीड साल में 2-3 बार तो ग्रो होते ही हैं, इस समय भी ग्रो होता है और 1 फरवरी मार्च में भी होता है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, और उसके लिए देखिए इसको ग्रो करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए मैंने लिया 40% कोकोपीट, 30% बर्मी कंपोस्ट, 30% गार्डन सोयल। इन तीनों को मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट में भी ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ गार्डन सोयल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन तीनों अगर मिला के करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। वो तो आपके सहूलियत के अनुसार है, आपके पास जो हो उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा। इसका थोड़ा सोयल जो है, सोयल मीडिया थोड़ा लाइट वेट इसलिए बनाया जाता है कि सीड को जमने में आसानी हो, आसानी से सीड जो है बाहर निकल जाए। तो देखिए इस तरह से मैं सारे गिलास को भर लूँगी। इस तरह से इसमें भर के क्या करना है, सारे सीड को इसमें जर्मिनेट करना है, ग्रो करना है। देखिएगा सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए ये लौकी का है, बाकी सारे कद्दू का है, और ये देखिए इसका नुकीला जो पार्ट है, नुकीले वाले पार्ट को आपको नीचे मिट्टी के अंदर दबाना है, ठीक है,
और जो इसका गोला वाला पार्ट ऊपर वाला है इसको ऊपर ही रखना है। ये नुकीला वाला जो दिख रहा है इसको आप मिट्टी में इस तरह से दबाएंगे, क्योंकि बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, वो उल्टा सीधा लगा देते हैं तो फिर जर्मिनेट ही नहीं होगा। उल्टा सीधा लगा देने से क्या है कि वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, फिर मिट्टी से ऐसे ढक देना है इसको, ऐसे इसको ढक दीजिए फिर से। इसको मैं क्या करूँगी, अब इसमें अब पानी डालूँगी। पानी डाल के इसको मैं शेडो एरिया में रखूँगी, क्योंकि धूप में जब रख दूँगी अगर इसको, तो इसके जो है मॉइस्चर जो है तुरंत ख़त्म हो जाएगा और सीड जो है सूखने लगेगा। फिर इसको ऐसे जगह पे रखिए कि मिट्टी में हमेशा इसमें मॉइस्चर बना रहे। देखिए इस तरह से पूरा भर दीजिए, जो फालतू पानी है वो तो ड्रेन इसके जो होल की हूँ मैं, होल से तो बाहर निकल ही जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसको जहाँ भी रखिए एक बार इसमें पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसकी मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो आपका जो है सीड सूख जाएगा, तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखना पड़ता है। और पानी इसमें डालते रहिएगा, एक टाइम तो ज़रूर पानी डालिएगा कि ताकि इसका सोयल ना सूखे। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय माई लवली YT फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।